वंशिका। हाँ माँ। बेटी तू बिना बताए चली गई, मैं नहीं लाती पानी। कोई नहीं माँ, वह पड़ोसन आ गई थी तो मैं सोची मैं भी जाके साथ में पानी ले आऊं। अच्छा, कपिल की मम्मी के? हाँ। ठीक से। ठीक। आ जाओ, उतरवाऊंगी। माँ। हाँ बेटा। जाऊं मैं? वो टिप्पण भूल गया अपने, टिप्पण के जो। अरे टिप्पण की जरूरत कोनी, आज तो हाफ डे में उल्टा आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, फिर आते हुए ना कुछ खाने के लिए लेके आइयो। पता क्या खाओगे? कुछ मीठा ले आइयो। इतना मीठा ना खाया कर, माँ खिला गंगी। सुगली देख, इब्बी चीनी खा गई है। ठीक है जाओ, जल्दी आइयो। आलू आंदो ही तो कहीं माँ क्या कर रहा है? ये बेटा आलू आंदो दूँ? मत छोड़ तो ही बिन्ने, पहले की बात कुछ और थी जब तू काम कराया करती, अब तो मैं आ रही हूँ, सारा काम मैं अपने आप कर लूँ। बेटी तू कितना काम करेगी, सारा दिन तो लाग ही रहे हैं। कोई बात नहीं माँ। बेटी तेरा ब्याह नहीं बे एक महीना होया नहीं है और तू सारा काम करने लग गई, खेत के आर का भी पानी भी लेकर आवे है। देखिए तेरा हाथ की मेहंदी भी ना उतरी है। काम बेटी दोनों मिल बांट कर कर लेंगे, इतनी बाजू बाज ना रहा कर। कोई बात नहीं माँ। और सारा दिन पड़ा है बता, और वो मुकेश जा लिया के? हाँ माँ। रोटी लेकर गया कि नहीं? ना आज वो नू कहा थे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा हाँ। ठीक से बेटा। ठीक है बता, क्या एक हाथ ना लगान दे, बढ़िया बहू आ गई, अच्छी बात से। अंदर की तो होगी सफाई, पूरे की ओर कर दूं, सारे घर में धूल मिट्टी जम रही है। हाँ क्यों हो गया बेटा? जल्दी आ, मेरे आग में कुछ गिर गया माँ, जल्दी आ, आग बहुत जल है। ये क्यों हो गया ऐसा? माँ जल्दी आ, माँ 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 मैंने कुछ कौन देख रहा है माँ, मेरे हो गया बेटा, आग में कुछ गिर गया। दिखा मन दिखा, थोड़ी आँख खुल, कोशिश कर थोड़ी सी। ना माँ कौन खुल रही, पानी की छिपकी मार रही है ना, माग भी नहीं खुलने लग रही। तू रे खड़ी हो तो मैं पानी लेकर आऊं बे। माँ रुक जा। माँ मैंने कुछ भी कौन दिख रहा। ले ले मैं पानी ले बेटे। माँ बहुत जलन हो रही है। ओह कोई ना, हो जाएगा आराम, दिखा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ। ओ बेटा मैं क्या करूँ, मन तो क्या है का, ज्ञान भी तो कौन ही ना, मुकेश आया तू चाल, मैं तेरे डॉक्टर के ले चालू। तू चुप हो जा बेटा, मैं मुकेश के पास फोन करूँ। इब्बे इब्बे करूँ, रुक जा। तेरा नहीं क्यों हो गया, दिखा फोन मिलवाऊंगी। ओहो या तो मुझसे मारने की दवाई है, दिखे उस बहू का आख्या में यही पड़ गई। कहूँ दिखा फोन मिलाओ मुकेश दोरे। वंशिका अरे बेटा एक बार मुकेश दोरे फोन मिलाइए। माँ मैंने कुछ भी कौन दिख रहा, मैंने कुछ दिखता तो मैं क्या न कहूँ। अरे मैं देखूँ दिखा, मिलवाऊँ किसे तबे। किसने कहूँ, सब्जी वाला दिखा भाई, एक बार मुकेश दोरे फोन मिलाइए। क्या हो गया बताइए भाई, बहू के भीड़ नहीं आँखें में क्यों, कौन सा जहर पड़ गया, दिखता ही कौन नहीं उसने। ले कर ले बात। हेलो हाँ मुकेश बेटा, एक बार तावड़ा आ घर नहीं आ जा। हाँ बेरा कौन बेटा, बहू के आँखें में क्यों हो गया, आँखें कौन खुलती उसके, तो तू नौकर बस जल्दी आ जा। ठीक से बेटा मैं बहू ने संभालू एक बारी। ठीक है भाई बेटा, ये आ जा, मुकेश मैंने फोन कर दिया, चुप हो जा बेटा। माँ बहुत जल रही आग। आगे क्यों हो गया माँ? बेटा देख ना बहू की आँखें में क्यों हो गया। क्यों हो गया, खोल आँख नहीं खुल रही, मेरी बहुत जलन हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। डॉक्टर के ले जा, खड़े हो डॉक्टर के सलाह ले। चलो रो ना हो जाएगी ठीक है। कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने बहुत डर लग रहा है। क्यों हो डॉक्टर साहब? भाई आँख में कोई जहरीली दवाई गई है।
जहरीली दवाई तो डॉक्टर साहब मेरी माँ ने बताई थी, वो चूहे मारने की दवाई थी, वह गिर गई। 80% चांस शायद दोबारा रोशनी ना आए, और 20% चांस है कि आ सकती है। अगर तू पहले लेके आता ना तो कुछ हो सकता था। इसने अपनी आंखों को ऐसे किया ना जिसकी वजह से जहर फैलेगा। डॉक्टर साहब तो फिर किमें तो रास्ता होगा, आप मेरी आँख ले लो, करो इलाज किमें। तेरी आँखें यूज़ नहीं हो सकती मेरे भाई, तेरी आँखें तो पहले से कमज़ोर हैं। हाँ बाकी दवाई चलाएंगे इसकी, कुछ दिन चलेंगी दवाइयाँ, हो सकता है आराम हो जाए। तो डॉक्टर साहब फिर ले जाऊँ? नहीं नहीं, अभी उनको 10 मिनट रेस्ट करने दो, उसके बाद में ले जाना, क्योंकि अभी दवाई डाली है ना उनका असर होता रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कोई नहीं, अभी बैठो आप, हो जाएगा आराम। ठीक है जी। मुकेश क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? माँ वो आँख ज़्यादा मसल दी होंगी इसने। अच्छा। आँख हम गाँव हो गए तो थोड़े दिन पट्टी रहोगी, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक से चल आराम कर ले बो। पट्टी वट्टी भी ना देखिए। ए बहू मेरे, फूल से बहू का नाश हो गया, बता एक ही महीना तो हुआ था ब्याह ने, क्या करूँ मैं? माँ। हाँ बेटा। डॉक्टर के दौर गए थे। हाँ। डॉक्टर ने बोला भाई मुश्किलें देख पाओगे तो या क्यों करूँ, किस तरह ऑपरेशन तो कौन ही होगी? ठीक मुश्किल है भाई, मैं तुम्हें जार जुर के पड़ रहे हैं, बताओ था वो जो कोई होगा ना, जमा साफ कर दी इसने। डॉक्टर ने कही थोड़ी देर पहले भी लिया, और तो भी देखा बहुत घनी देर हो गई थी। बेटा फिर तेरी तो जिंदगी खराब हो गई, एक महीना तो आया था बयान है। कोई ना माँ, किसी डॉक्टर से पूछूंगा, जे एक आँख मेरी लग जाए तो। तेरी आँख, तेरी आँख उसका लाग रही, फिर तू तू एक आँख तक किस तरह वो देखेगा, किस तरह तेरी जिंदगी पार होगी? जाऊँ माँ मैं? ले भाई टिप्पण ले जा। करूँगा माँ बात डॉक्टर के, जब मेरी आँख इसके लग जाएंगी तो। बेटा मेरे दर के रह जाएगा, जब तू इसने अपनी आँख दे देगा तो। तो भाई मानू भी तो ना रह जाने, देखी मुझे देखी जा है। देगा यो आँख, इसका घर अपनी जिंदगी और खराब कर लेगा यो। माँ। हाँ बेटा। माँ मैंने बाथरूम करके आना है। चल। ले बेटी ये पट्टी खोल दूर तभी दवाई डाल दू आख्या मैं। ले लेट जा। ले बेटी आँख खोल। चिंता ना कर बेटी, हो जाएगी ठीक। अब देख दुख सुख तो आया ही करे, कोई ना ये दिन भी कट जाएंगे। माँ मैंने आज तक कदे किसी का बुरा कौन करे, मेरे साथ ऐसा क्यों होया? तेरे साथ की बेटी जो तुम्हारे साथ बुरा हो गया, बेरा को निकी तुम्हारे भाग्य में लिखी थी। क्यों हो गया माँ? ना कि मैं ना बेटी, मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है। फूट गए मारे कर्म तो, बेरा निके आँख फूटी से इसका आँख गा गई, भूख हो रही करते रहो, सवेर तले का सांझ हो जाए, काम में निमट में को नहीं आता यू। बर्तन मांजो, इब झाड़ू काटो,
यो ही काम सही से इसे रोटी खुआओ किते नु सोची थी ब्याह के बाद मन सुख हो जाएगा है? ले आई तो थी बहू और यह मेरी सासू बन के बैठ गई मन ने दुख हो गई इसके या थोड़े दिन में ठीक होगी तो ठीक से ना तो मैं इसका छोरा का दूसरा ब्याह कर दूंगी मेरे के लिख दी सके के काम ही करती रहूं मैं इसका आगे आगे करो मैं को नहीं बर्दाश्त करूँ इब कई दिन हो गए मेरे हाड़ गोडे काम करे ने हैं बैठने इसने दे ही जाओ टिकट पाड़ी जा गया ये छोरा ना कहूँगी दिखा मैं तो एक दूसरा ब्याह करके रहूँगी नू के काम चलने से कट जाएगी नू जिंदगी छोरा की जिंदगी और खराब होगी बुलाऊंगी इसका बाप ने देखिए कह दूंगी ले जाओ अपनी छोरी ने मेरा बस का को नहीं अपने नाप रखेंगे मेरा किसी मरी से बता ले बेटी दवाई ले 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 गोली हाँ बेटी कि मैं फर्क पड़ा दिखता है कि मैं कुछ भी कौन दिखता सब कुछ अंधेरा हो रहा है अंधेरा हो रहा है हाँ माँ आई फिर तो डॉक्टर से दवाई बदलवा लूँ मैं तो बताई तो आराम को नहीं होया हाँ माँ मन कुछ भी कौन दिखन लाग रहा मेरे खुद के समझ में को नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ तू लेट जा तेरे साथ तो क्या होता बेटी लेट दो बेटी दवाई है तो कि मैं तो फर्क पड़ा होगा ना माँ जब दवाई गाल लेना तो बस आँख ठंडी ठंडी हो है और कुछ भी को नहीं होता बुलाऊंगी तेरा बाप ने ले जाएगा अपनी ने मेरा बस का को नहीं कौन आ गया राम राम जी राम राम जी ठीक हो जी हाँ ठीक हाँ जी छोरी आ गया नहीं बे छोरी बस ठीक है जी के बताऊं कि मैं उसका फर्क है को नहीं पड़ रहा जो कौन दिखने लग गया कि मैं ना जी के बताऊं अब आ जाओ ले चौधरी ने बैग तो पकड़ लियो लिया बेटा बनी सी का पापा 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 मैंने कुछ भी कौन दिख रहा कोई बात कौन बेटी ठीक हो जाएगी पापा मैंने कुछ भी कौन दिख रहा मैं क्या करूँ बेटा ऐसे तो तुमने किसी को बुरा भी कौन करे ये बात मैं कहूँ पापा मैंने कदे भी किसी का बुरा कौन चाहे मेरे साथ ही क्यों होया कोई बात नहीं बेटा भगवान सबकी परीक्षा ले है कि मेरा के अपने कर्म में लिख रहा क्या था नहीं ना करो बेटा जरूर कौन को गेल जन्म का बदला होगा बेटा यो इस जन्म तो किसी का बुरा करा कौन तुमने तो पापा मेरे साथ क्यों हो रहा है बेटा 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 एक परीक्षा ले है भगवान अपना तो अनुमान भी केस का गए झुकरी रख नहीं रहना पड़े बेटा बेटा तू टेंशन ना ले चाहे मैंने मेरी आंख तेरते देने पड़ जाओ तू इस दुनिया में जरूर देखेगी बेटा मेरे तो किम काम की कोनी भी आंख ना के पापा किन को नहीं बेटा टेंशन ना ले तू पापा मैं आंधी होने तो अच्छा मैं मर जाती ना बेटा नू ना बोले पापा मैं अपने घर के आप भी बोझ होगी बेटा इसी बात ना बोल ले तो ना मेरे के ले ले जाऊंगा पापा मेरे से सारे मेरे घर के कान काटने लागे हो रहा है कोई बात कौन बेटा तेरा बाप जीव है बे तू टेंशन ना ले बस चौधरी को नहीं पानी बनता रहन दो केक राजी मुकेश ने भी बहुत डॉक्टर तो दिखाया है कोशिश तो बहुत ही करी है आराम ही को नहीं होता है अपने कोशिश तो कौन करी जी ना ठीक हो यार छोरी इतने कदी की लो तुम पानी पी लो बेटा मन से कहला पानी पी ले ना ना बेटा पी ले ले लेट जा बेटा राम राम बेटा जी राम राम बेटा ठीक से ये क्या हालत करा के तने क्या करा बेटा जी मैं डॉक्टर के दौर गया था मैं भी उन्हें मेरी आँख में भी दिक्कत बता दी बोला तेरी आँख तो इसको कौन चला है क्योंकि मेरी पहले तो कमजोर है बेटा जी मैं मेरे गिल ले जाया मैं दिखा लूंगा मेरी ने इसका बुरा हाल कौन देखे जाता
ना बाबूजी हम हाँ उरे ध्यान रखा नहीं पूरा पूरा। ना बेटा तू क्या ध्यान रखेगा? अगर कम कर दे तो मैं काम छोड़ दूंगा। ना मैं कौन चंदा बेटा, तू भी काम छोड़ दे। रो ना बाबूजी, अब देखो आप भी अगर इस तरह मारा मन करके रहोगे तो फिर मारा क्यों होगा? ले जान दे बेटा, इनका ना मन मानता तो। या क्या बात करे माँ, आप रहे उरे ध्यान रखना खातर। ठीक से बेटा, आप ध्यान रख लेंगे। कोई बात कौन पिताजी, आप टेंशन ना लो, हम अपना कोई भी शिकायत का मौका कौन दे। ठीक से बेटा, ले रान काटूंगी मैं तो इसकी, मेरा बस की कौन है इसका आगा आगा काम कर। भाई है? हाँ भाई प्रदीप। के कहो थी तो? भाई मैं नू कहूं थी मुकेश खातर कोई छोरी देख दे। क्या थी बिन्ना, पहला तो करिया था। आंधी होगी के करा उसका है। आंधी कुकर होगी, निचली तो टिके को नहीं आ है। वह मुझसे मारने के दवाई खिंडा ली ऊपर, वह कितने आंखें में पड़गी, आंधी होकर बैठगी। आए था, ये तो छोटी मोटी दिक्कत से, ये तो चलती रहा कर अगर हमें कोई बढ़िया डॉक्टर ने दिखा देता हमें। भाई बतेरे, हमने तो डॉक्टर के दिखा लिए, धक्के खाए हैं नीरे, सूत तो कोने आंधी की में। अरे भाई आंख्या की बात होती तो मैं इसने राख भी लेती, इसका तो बालक भी कोनी होंगे। ताई बिना पहला तो ब्याह हुआ था, इब तो पहला फेरा पिट गया था मैंने। भाई इसकी पूरी देह का चेकअप करवाया था, डॉक्टर नु कही है इसका बालक तो हूँ कोनी कदे। तुम इस तरह पांडा छुड़वा लोगे ना तो बढ़िया रहोगे। और तेरे चाचा ने छोरी बताई थी ने, वही कर ले बात उससे। ताई बात तो कर लेंगे और वो रिश्ता भी कर देंगे, क्योंकि मुकेश भाई ठीक काम लग रहा है और घर का जुगाड़ भी ठीक से है। हाँ हाँ। छोड़नी पड़ेगी तो हमने। तू उसकी चिंता ना करे, आप तो समझौता कर लेंगे, इसका बाबू ने बात करके न और भेज देंगे इसने। देख लिए पहला इसका राजीनामा होगा ना, उसके बाद में आगे की बात बढ़ेगी। रिश्ता तो करा देंगे अपना हाथ में से, इबे किते को नहीं करे उसका रिश्ता। फिर पहला इसका राजीनामा करवाइयो। तो मैं करवा दूंगी, तू चिंता क्या की कर रहा है। तो करवा देगी तो मैं अच्छा तो बात कर लूंगा आज से। ठीक से? ठीक से नहीं, और तू यो काम करवा दे और फिर मर्द और फोन करवा दी, फिर बता देंगे। मैं आप करवा दूंगी राजीनामा। बेशरम, तन्नू कौन बेरा कितने जेठा रे, मुंह कौन देख सके। मामन बेरा कौन था तो आन दियो इसे, बैरी तो कौन हुई, कोई लिखने जाओ कोई बड़ी जाओ, तन बेरा ही कौन पाते। मैं गलती होगी, उधर के करना आई थी तो मैं पानी पीने आई थी माँ, पानी दे दे। ले कहाँ सु? मामू केस का दूसरा ब्याह कर रही है और फिर मामा ने अपने घर ना भेजेगी, और मैं अपने घर ना जाऊंगी तो अपना बाप पर बोझ हो जाऊंगी, और मुकेश मेरे उरे होते होते ब्याह करे कोनी, इस ताचो में मर क्यों ना जाऊं। हाँ मैं मर ही जाऊं। मुकेश मैंने सुनी तेरी बहू की आंख चली गई। हाँ अगर तू चाहो तो मैं भी तेरे घर ब्याह कर लूंगी। मधु यार देख, चेकी में मेरी माँ नवा देखी थी, पसंद करी थी, मारा घर ना आ गई थी, मेरी बहू बन गई थी। तेरी माँ बात तो ठीक है, पर तू बता सारी उम्र क्या दगल कटेगी? तू तो एक लड़की है, कम से कम तू तो सोच, ये बात मेरी माँ करे हर, ये बात तू करे है। तो मुकेश सही काम है तेरे घर के भी, इबे तो तेरा ब्याह है थोड़े दिन पहला, सारी उम्र पड़ी तेरा गए। और हाँ एक बात और, अगर वह सच में तेरा भला चाहती होगी ना तो वह खुद एग्री हो जाएगी दूसरा ब्याह करने खातर। ना मधु मैं मानू हूँ तू मेरा साथ देना तैयार है, फिर मेरा जी को नहीं उठे इन जिस टाइम पर उसने हमारी सब तो ज़्यादा जरूरत है ना, उसी टाइम पर हम उसका साथ छोड़ देवेंगे, ये चीज़ अच्छी को लग है। सोच ले बीबी। सोच रखे मधु, बढ़िया डॉक्टर देखूँगा, जब मेरी आँखा है कि मेरे जुगाड़ पानी हो गया तो मैं मेरी दूँगा, यानी कि अगर दूसरी जगह मिलेंगी तो मैं लगवाऊँगा। डॉक्टर ने भी नू कही थी 80% चांस है कोनी आँख उल्टी हमें, लेकिन 20% चांस है ना, वे मेरे खातर बहुत हैं। बाकी मधु तेने मेरे खातर इतना सोचा, काफ़ी है मेरे खातर। जा तो तू इस सदर मर, इन्ने दिन जो गए तू, भगवान ने जो करे ठीक करे तेरी गल। Thank you.
हंसिका क्या करना आ रही है तू और छत पे क्या लेना आई है क्या हो गया मैं उस बोझ को नहीं बन सकती आपको पर किसने कही हंसिका तू बोझ है ना मैंने पता है मैं कौन नहीं रह सकती क्यों कौन नहीं रह सकती किसने की मैं कही इधर दर्द है माँ बेटे हम दोनों के दोनों तेरा का पाछा हंग ना करे 24 घंटे और फिर भी तू मरने खाता चाल बड़ी हो रहा है के बात होगी वंशिका मन्ना बता माफ खतरे छोरी देख लाग रही है मतलब आपका दूसरा ब्याह करवाओगे माँ मैं रह के करूंगी के मन्ने यूं भी कौन दिखता किसने कही वंशिका तेरे बात माँ मेरा दूसरा ब्याह करवा देगी और मैं कर लूंगा यही तो दिक्कत है सारी मेरे होते तो आप दूसरा ब्याह कौन नहीं करो इससे अच्छा मैं मर जाऊं ना देख फालतू की बात नहीं करा कर ठीक से आजा नीचे चल आजा यार जिसे भी है ना वंशिका तू ठीक है मेरे खातर मैं अपना आप रख लूंगा तने देख बता देख घर में पिपल जामन लग गए मार तो घर का उड़ा लिया माँ हाँ बेटा प्रदीप आया था हाँ आया था तो मेरा दूसरा रिश्ता की बात कराएंगे करूँ तो हूँ बेटा जब हो जा तो बढ़िया इसे ना बढ़िया माँ करवा दे दूसरा ब्याह इस तो मैं भी परेशान हो लिया हाँ डी जाओ इसने ठाई ठाई जब ये तो बात करिए बेटा मैंने नू थोड़ी जिंदगी कटेगी ठीक से माँ भेज दे इसने ले जाएगा इसका बाप कितने आओ जाओ आपा ने किया मतलब है इसका बाप भुगतेगा पापा क्यों भुगतेंगे है ना क्यों भुगता माया बात सोच भी ली है ना तो मैं मर जाऊंगा देख ले यहाँ की बात कर लग रहा है तू तन शर्मा हो गए माँ लेके तू आई थी अपनी मर्जी से तो बेटा आंधी होगी या नू थोड़ी ना तो ये तो भाई माँ दुर्घटना हुई है जानबूझ के आंधी हुई है वाह मेरा एक्सीडेंट हो जाए कल ने फिर मैंने यहाँ छोड़ के चली जाएगी कल ना भाई माँ तू सफाई कर दी तेरी आंखा में पड़ जाता तू आंधी हो जाती तन्ना छोड़ आंदे हम तेरा दिमाग खराब हो रहा है बेटा है क्यों अपनी जिंदगी खराब करने लग रहा है उसकी तो हो गई तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे भाई मैं भगवान देखा ऊपर सोच समझ के बोले अगर की बात ये हादसे है ना किसी के लिए भी हो सके हैं आगे बात समझ मन सारी बात कौन करने लग रही तू जिन्हें इसकी जिंदगी खराब होगी जिन्हें मेरी होगी और तीसरी लिया होगी उसकी होगी नू किस तरह होगी इसने भेज देंगे इसका दिमाग खराब हो रहा है माँ खिलौना मान रही मैंने बार बार बदली जाएगी कदे कोई आ जाएगी कदे कोई आ जाएगी तेरी ये चाल लगी तो तेरी जिंदगी में ये लिख रहे हैं के मामा मेरी जिंदगी है ना वहाँ खराब हो ली ठीक से अरे मैं इसने कौन छोड़ दूँ काम कर ले अपना और पहले बता दूँ मामा दोबारा ब्याह करने की नहीं सोचेगी नहीं तो मैं इसने लेके लिखट जाया कितने तो मेरे तो तू नू भी ना देखा जाता सारा दिन तू ड्यूटी करे रात में आकर फिर इसकी ड्यूटी करे तू मैं तेरी सोचू सू एक महीना होया है इसने आईने इसके पीछे तू पागल हो रहा है हैं मन में छोड़ के चला जाएगा तू मैंने तो 9 महीने पेट में नुए कौन रखा मैं चला जाऊंगा इसे लेकर ने छत के ऊपर खड़ी थी वाह मरण खातर 2 मिनट लागे रहे मर दिया नहीं और पास तू भी राजी हो जर उसने बेरावा अपना प्रपोज बन रही है इतना फील नहीं करवाया क्या किसी ने घुट घुट के जीने लग रही है वाह घुट घुट के तो मैं जीने लग रही हूँ वाकई घुट कर जीने से चाल दी फिर दी ताने मारने लग रही तू उसके ऊपर आंधी हो रही भाई मैं बिहारी को नहीं वाह सारी सुन है और सारी समझ है ठीक से जा तू मन्ने सुना कने मैं इससे की सोचू लियो मन्ने सुना है बोलिया उसका गुलाम तू दिखे है डंग के बात है तने तो छोड़ सिखा दिया मेरा माँ मैंने कुछ भी नहीं सिखाया मेरे सिर पर लुए चढ़े थे फिर वो कुछ भी नहीं सिखाया माँ मैंने कुछ भी नहीं की उनते कम बोले तो जब तुम सुन ही ली थी तो तुम मर जाती है जाकर नहीं कितने क्या तुम्हारा खून पीने लग रही है माँ मैं तो मर नहीं जाऊं थी वो खुद आ गई मैंने बचा ली मर जाऊं थी तेरे बाप तो फोन कर दे आके ले जाएगा तुम्हें तुम छाती पर सांप बन के बैठ गई ठीक है माँ ये दोनों मेरा आगे ना खिला है ठीक से माँ मेरा छोरा मेरे खिलाफ कर दिया तुमने एक तो इसका आगे पीछे काम करते अंडे जाऊं ऊपर तो मेरा छोरा सिखाने लग रही है आज वो मेरे तो लुके हैं मैं उसने लेकर अलग हो जाऊंगा अलमा तन्ने छोड़ दूंगा उसने कौन छोड़ दूं तो काल क्या आई हो रही
उसे सिखान लग दी तू छुड़वाओगी तेरे जीसी तो मैं उसके सो ला दू। अब तेरा तो सांगे के है मां। मां मां मामा ने उन तक कुछ भी नहीं सिखाया, मेरी कोई भी गलती को नहीं। मां मां रात को रियल तक भी कोई बात नहीं। मां मुकेश आ रहे हैं, डॉक्टर लेके मैंने फोन कर दिया। बेटे मनु लागे मेरा टाइम आ लिया ना। मनु ना के मैंने माफ कर दिए बेटी। मनु ना के ठीक हो जाएगी मां। बेटी ना मैंने बहुत कड़ी गलती कर दी। मुकेश का डर है क्या? माँ चिंता ना कर, नू ना कह। माँ तेरे सिवा हमारा है कौन? माँ भगवान ने क्यों है माँ? बेटा मेरे तो भगवान ने सजा दे दी। मैंने इस भोगले बहुत बुरा करया बेटा। बेटा मेरा एक हाथ और पैर को नहीं उठता। अबे बताओ ले चेक करो, उठाने की कोशिश करो एक बार। को नहीं उठता जी। एक मिनट भाई, इनको पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस? हाँ जी माँ। तो डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज भी होता होगा? दवाई चलेगी इनकी लंबी। कितनी लंबी डॉक्टर साहब? कम से कम इनको 2 मंथ दवाई चलेगी। तो डॉक्टर साहब की दवाई पानी की भी तो दे के जाओ। अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तू मेडिकल पे आ जा, मैं तेरे को दवाई दे दूंगा। और इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे। हो तो जाएगी डॉक्टर साहब? हाँ हो जाएगा, चांसेस है, बाकी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। माँ बेटा, बेटा मैंने माफ कर दे बेटा, यो मेरे कर्म को पड़ा। माँ तू चिंता ना कर, तेरी सेवा पानी मैं करूंगी, तने जल्दी ठीक कर दूंगी। माँ देख ले माँ, इसने भी तो हम दिखने भी कोला गया है, फिर भी तेरे साथ खड़ी है। और उस दिन माँ तू क्या कर रही थी? इससे ने घर तबार काट थी। माँ आरी बीमारी किसी में भी आस्क है, जिस तरह अभी तेरे माँ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना माँ हम तो न छोड़ देंगे। बेटा, बेटा। बेटा। ना माँ कोई बात नहीं, दिल तो तने भी बहुत दुखाया है इसका, हर बार रोई जाया करती है। बस करो कि माँ मेरे ती समझ नहीं पा रही के गुरु मैं। बस करो, अब कुछ ना कहो, बस माँ की दवाई ले आओ आप जाके, मैं माँ का ध्यान रख लूंगी। चिंता ना कर माँ, कि मैं को नहीं उड़ता तेरे। और भाई माँ स्त्रिया तो किसी के लिए कि मैं गड़बड़ हो जाए ना, तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। सौर कर नरक सब के मैं उरे हो भाई माँ, जैसा कर है ना आदमी उरे भुगत के जाने हो। मेरी भगवान ने आँख खोल दी बेटा। बस माँ बस करो माँ।